तो चलिए स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किए हैं और लाभार्थियों का पैसा चेक करना चाहते हैं कि लाभार्थियों का जो पैसा है वो गया है या नहीं, और अगर गया है तो किस खाते में गया हुआ है, अगर इसको आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग जो लाभार्थियों का पैसा है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब आप लाभार्थियों का फॉर्म फिलअप कर चुके होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कर दिए होते हैं, और लाभार्थियों का जो पैसा है वो अकाउंट में चला जाता है, लेकिन लाभार्थी को भी पता नहीं चलता है कि किस खाते में गया हुआ है, क्योंकि लाभार्थी के पास मल्टीपल अकाउंट होते हैं, जैसे कि दो तीन अकाउंट होते हैं, तो वो लाभार्थी भी कंफ्यूज हो जाती है कि किस खाते में पैसा गया हुआ है। तो आप लोगों को मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लोग आसानी से जो लाभार्थी का पैसा है वो चेक करके बता सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो इस अकाउंट में गया हुआ है। आप लोगों को कैसे चेक करना है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से चेक कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों को लॉगिन कर लेना है सिंपली यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, और वहाँ पे ओटीपी जो आता है उसको वैलिडेट करके आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो इंटरफेस है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो थ्री डॉट यहाँ पे दिख रहा है इस थ्री डॉट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिशियरी इनरोल का जो ऑप्शन है इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने आईडी से जितने भी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किए हुए रहेंगे उन सभी का यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितने लाभार्थी जो है आपके अकाउंट से यानी आपके आईडी से रजिस्ट्रेशन है और कितने लाभार्थियों का जो पैसा है वो अप्रूव होकर चला गया है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे कि जितने भी लाभार्थी का आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, उनका आईडी शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो इनका स्टेटस है जैसा कि पैसे का जो अप्रूवल है वो हुआ है या नहीं, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे जो स्टेटस है अप्रूव दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे अमाउंट अभी गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अप्रूव दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं इनका अमाउंट जो है 3000 रुपया इनको एक किस्त चला गया है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो और भी लाभार्थी जो है उनका यहाँ पे 3000 रुपया करके जो पैसा है उनके अकाउंट में चला गया है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये पता करना है कि ये लाभार्थी का जो पैसा है वो किस खाते में गया हुआ है, क्योंकि जब आप लाभार्थी से पूछते हैं तो वो भी नहीं बता पाती है कि हमारा जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में आया हुआ है या नहीं। उसके पहले आप लोगों को क्या करना है कि जिस भी लाभार्थी का आपको चेक करना है कि उसका पैसा जो है किस खाते में गया हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल नंबर और दूसरा यहाँ पे है बेनिफिशियरी आईडी। तो बेनिफिशियरी आईडी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, यहीं पे जो लाभार्थियों का नाम देख रहे हैं उसके नीचे ही आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इससे भी चेक कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर जब आप लोग रजिस्टर करते समय जो लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाले थे उससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिले सर्च बेनिफिशियरी, तो सिंपल से क्या करना है आपको यहाँ पे सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आएंगे, पहला जो है बेनिफिशियरी आईडी और दूसरा मोबाइल नंबर। तो आप लोग जिससे भी चाहें आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर से चेक करके आपको दिखाते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते वक्त मोबाइल नंबर हम लोग डाले थे उसको यहाँ पे हम लोग सिंपल सा डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो लाभार्थी का मोबाइल नंबर है उसको डाल लिया है। डालने के बाद क्या करेंगे, फैच डिटेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लोगो है कुछ इस प्रकार से सर्च कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं करना है, बैक वगैरह का बटन आप लोगों को प्रेस नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है, जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होगा आप लोगों के सामने यहाँ पे रिजल्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अभी खुल के नहीं आया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी डिटेल्स इनका जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ये सर्वर के इशू के कारण ऐसा शायद हो सकता है। चलिए एक और नंबर को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, दूसरे लाभार्थी का नंबर यहाँ पे डाल के देखते हैं कि उस लाभार्थी का यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे दूसरे लाभार्थी का भी चेक कर लेते हैं कि उसका जो डिटेल्स है वो दिखा रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दूसरे लाभार्थी का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल लिया है। डालने के बाद हम फिर से फैच डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फिर से जो लोगो है वो घूमना शुरू कर दिया है। तो
ये साइट है, इस साइट पर कभी कभी क्या होता है कि जो साइट है स्लो होने के कारण आप लोगों को जो डिटेल्स है वो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन तरीका यही है आप लोगों को यहाँ पे किसी भी लाभार्थी का पैसा किस अकाउंट में गया हुआ है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, जब सर्वर ठीक हो जाएगा तो आप लोग फिर से यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, तो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किस लाभार्थी का पैसा किस खाते में गया हुआ है, ठीक है। तो तरीका यही है, आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है, लाभार्थी का मोबाइल नंबर या लाभार्थी का बेनिफिशियरी आईडी जो है वो यहाँ पे डाल के आप लोग लाभार्थी का पैसा जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी सर्वर के इशू के कारण आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा देर और, तो देख सकते हैं कि सर्कल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी डिटेल्स कोई भी रिजल्ट हमारे सामने खुल के नहीं आया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सर्वर में यहाँ पे कोई भी दिक्कत है जिसके वजह से आप लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ों को यहाँ पे सर्च नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप बेनिफिशियरी आईडी डाल के चेक करें या मोबाइल नंबर डाल के चेक करें, यहाँ पे अभी कोई भी रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर कभी दूसरे दिन आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जरूर रिजल्ट शो हो जाएगा कि किस लाभार्थी का जो पैसा है वो किस खाते में गया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब आप लोगों को करने से हमें मोटिवेट मिलती है और हम आप लोगों के लिए इस प्रकार से वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।